हमने तो सुना है कि डांस सिखाते हैं, ये कलाड़े थोड़ी सिखाते हैं। मैं तुम्हें भी डांस सिखाऊं? डांस करते हैं ये, वो फाइटर नहीं है, ये डांसर है। वो काटा होते हैं, पावर आती है, वो ठुमके भी लगाते हैं। 20 साल में आपने अवार्ड जमा किए सर? ये तो बहुत कम अवार्ड है, कम से कम 100 अवार्ड हो रखे हैं। कहाँ से लेके आए, खरीदे आपने कभी? यही आप किसको लाए? तुम माइक पकड़ने बैठे हो, अपना काम करो। आप 5-6 से एक साथ फाइट कर सकते हैं। व्हाई नॉट, वो जो फाइट करते हैं वो अपने साथ गार्ड भी रखते हैं और वो फिर डर के चले भी जाते हैं। भाई मैं तो अभी भी अकेला आया हूँ, अकेला बैठा हूँ, वो ग्रैंड मास्टर होंगे। ये है कराटे मास्टर नजम, जो कि ताइक्वांडो के भी चैंपियन है। इनके साथ किया एक जबरदस्त प्रैंक। मैंने एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया है जो स्पोर्ट्स बेस्ड प्रोग्राम है और उसका नाम है खेल खेल में। नजम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नजम खान साहब जो हैं वो हमारे ताइक्वांडो के थर्ड वर्ल्ड चैंपियन है। अक्सर जो बस स्टॉप पे सदर में या इधर उधर कहीं आपस में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, उसमें मुक्के लाते चलती हैं, गालियां चलती हैं, तो उसको ताइक्वांडो कहेंगे, कराटे कहेंगे, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, हंगामा कहेंगे। हंगामा कहेंगे। नाइस नाइस। 20 साल में आपने अवार्ड जमा किए सर? ये तो बहुत कम अवार्ड है, ऐसे कम से कम 100 अवार्ड हो रखे हैं। तो वो अवार्ड जो आपके घर में रखे हैं वो कहाँ से लेके आए, खरीदे आपने कहीं से? अच्छा भाई, यही आप किसको लाए? क्या हो गया, एक मिनट यार, इतने अवार्ड एक बंदे को कैसे हो? तुम्हें क्या, तुम माइक पकड़ने बैठे हो, अपना काम करो। तुम्हें इससे क्या यार, आप समझ रहे होंगे कि शायद ये सीख कबाब है, नहीं आप समझ रहे होंगे कि शायद ये कोई फ्लूट है, लेकिन ना ये फ्लूट है ना ये सीख कबाब है, इसको कहते हैं ननचक्कू। ठीक है, तो ये किस लिए होता है ननचक्कू? ये यूँ रोकने के लिए, यूँ रोकने के लिए। ये काट है सेल्फ डिफेंस का। अच्छा, जो आप इससे डिफेंस कर सकते हैं, कोई आपके पास वेपन लेके आए ब्लॉक कर सकते हैं। कोई वेपन लेकर आए तो हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई गोली चलाए तो गोली रोक सकते हैं? ये तो पंजाबी फिल्म में ही हो सकता है। नहीं, आप इंग्लिश फिल्मों में देखेंगे इससे गोली रोक लेते हैं, इसका मतलब है इंग्लिश फिल्मों वाले भी आजकल हॉलीवुड से, अपना लॉलीवुड से ही सारा कुछ ले रहे हैं। अरे ये बताइए कि आप अगर जा रहे हो और 5-6 आदमी सामने आ जाएं, आप 5-6 से एक साथ फाइट कर सकते हैं? व्हाई नॉट। वो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो जो फाइट करते हैं वो अपने साथ गार्ड भी रखते हैं और वो फिर डर के चले भी जाते हैं। डर के चले? भाई मैं तो अभी भी अकेला आया हूँ, अकेला बैठा हूँ, वो ग्रैंड मास्टर और होंगे, मास्टर और होंगे जो अपने साथ गार्ड रखते हैं। गार्ड भी रखते हैं और डर के भी भाग जाते हैं? डरने डरने की बात नहीं है यहाँ पर यार। आप भाई एक मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? नदीम। क्यों बीच में बोले जा रहे हो यार? जहन में आया था सवाल, मैंने आपको बता दूं। अबे क्यों आया तुम्हारे जहन में यार, रिकॉर्डिंग हो रही है यार, तुम दिमाग क्यों खराब कर? सॉरी यार नजम, सॉरी। ओके ओके, अगेन अगेन, नो प्रॉब्लम यार, सही रूल लेकर चला करो यार। हाँ जी, बोलना भैया। क्यों? अच्छा नजम साहब, ये बताइए आप कि इतना जो आप ये सब कुछ करते हैं तो इसके लिए आप कुर्बानियाँ भी देते हैं, कुछ आप सैक्रिफाइस करते हैं? व्हाई नॉट, बकरी तो कुर्बानी तो करते नहीं है। अबे भाई बकरी तो कुर्बानी, आप किसको लाए भाई? गाय बकरा पूछ रहा था, करते हैं कुर्बानी बकरी पे आप? तो सारे मुसलमान करते हैं, ये दूसरी कुर्बान की बात कर रहे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं बता वो बकरी वाली भाई, सॉरी आप क्यों बीच में यार? भाई चुप हो जाए अब यार, सॉरी वो कुर्बानी की जिक्र आया था, मैं कहा गाय वैसे मैं बस दे दूँ आपको। मैं यार मैं थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हारे, आगे समझ में? अच्छा चले यार, दोबारा करें, सॉरी यार नजम, आई एम सॉरी। तो आप क्या समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है ताइक्वांडो? ताइक्वांडो इज़ अ क्वीन मार्शल आर्ट, इज़ अ टोटली ओलंपिक्स वर्जिन, और ये पूरे वर्ल्ड में 130 कंट्री में खेला जाता है, वाइल्ड मार्शल आर्ट है अभी तक का, जिसमें जदीद और लेटेस्ट टेक्निक इन्वॉल्व है। ये एक अच्छा गेम है, एक बहुत सुपीरियर गेम है। हमने तो सुना है कि डांस सिखाते हैं, ये कलाड़े थोड़ी सिखाते हैं। मैं तुम्हें डांस सिखाऊं भी? आप ही का नाम है ना? मैं तुम्हें भी डांस सिखाऊं? हमने वो बच्चे कह रहे थे ये तो डांस करते हैं, कलाड़े सिखाते ही नहीं है। एक मिनट यार, ये डांसर है ये एक्चुअली। मुझे पता चला है ना, वही बताऊंगा मैं, अब मुझे आपसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ तो मैं वो जो बात, मैं भी तुम्हें डांस सिखाऊं? यार एक मिनट यार, किसी के घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, क्या हो गया ये? नहीं मुझे बताया, छोड़ मुझे याद आ गया, मैं वो बता दूं आपको। क्या याद आ गया? क्लियर कर दूं, वो कह रहे थे डांस करते हैं ये, वो फाइटर नहीं है ये डांसर है। भाई वो काटा होते हैं जो खाली फाइट करते हैं, डांस नहीं होता,
वो काटाज होते हैं, पावर आती है, नहीं वो ठुमके भी लगाते हैं भाई। आप इनको ओके सुना था, मैंने बता दिया। आप राजा साहब इन्हें आउट करें। ये तो आपके घर का बंदा है ना? नहीं नहीं भाई, ये मेरे घर का बंदा, ये तो आपके साथ आया है। नहीं मेरे साथ तो ये एएनजी मोहम्मद अली, ये कैसे लड़के लेके आते हो यार एएनजी पे? मैं तो ये तुम्हारे साथ भी नहीं है। नजम साहब को गुस्सा आ गया और नजम साहब अचानक खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मैं अंदर आ गया, देखिए अंदर आ। और जब नजम साहब को समझाया गया कि ये आपके इंटरव्यू के दौरान ही एक शरारत की थी, वरना किसी की मजाल हो सकती है कि आपसे शरारत करे, अपनी हड्डियां तोड़वानी है क्या? नजम साहब की समझ में सारी बात आई और नजम साहब मुस्कुरा दिए। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।